अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हकीम यासर में एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए नाइटफॉल के बारे में यानी एहतलाम के बारे में। और ये वीडियो जो मैं लेकर आया हूँ, ये समझ लीजिए मेरी नज़र में सिर्फ यही एक ऐसा फार्मूला है जो मैं आपको दे रहा हूँ, बस आप इसी को करेंगे यानी लगभग 7 दिन के अंदर आपको रिज़ल्ट आ जाएगा। और कम से कम आपको ये 40 दिन इस्तेमाल करना है, नुस्खा इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, आपकी होल्डिंग पावर जो है वो सब सही हो जाएगी, जो आपको नाइटफॉल एकदम जो होता जा रहा है, इतलाम हो रहा है, वो सब रुक जाएगा। तो कुल मिला के बीमारी कब होगी ये भी समझ लीजिए, अगर हफ्ते में एक बार हो रहा है नाइटफॉल या इतलाम तो फिर ये बीमारी नहीं है, बिल्कुल कोई भी आपको मर्ज़ नहीं है, ठीक है, इतलाम का। और अगर हफ्ते में एक से ज़्यादा हो रहा है यानी 2 बार हो रहा है तो लाजमी आपको बीमारी है, फिर तो आप धीरे धीरे खोखले होते जा रहे हैं। कुल मिलाकर सीधी सी बात यह है, उसकी वजह यह है, आप ये समझ लीजिए। ये वीडियो सिर्फ इसलिए है जो हमारी होल्डिंग पावर जो है वो ख़त्म हो गई है। एक नाइटफॉल 2 तरीके का होता है, मैं आपको बता दूँ, 2 तरीके का नाइटफॉल ये होता है। पहला नाइटफॉल आपका ये होगा जो आपको गर्मी ज़्यादा अंदर जब गर्मी हो जाती है तो ज़्यादा गर्मी की वजह से या हम ज़्यादा गर्म खान पान करते हैं तो उसकी वजह से नाइटफॉल होता है, तो उसके लिए तो हम इस्तेमाल करेंगे अपने आप को कुछ मसाने को ठंडा करने वाली चीज़ें, ठीक है, तो उससे हमारा नाइटफॉल रुक जाता है, ठीक है। इसके लिए मैंने एक गर्मी के ऊपर वीडियो बनाई है जिसका मैं लिंक दे दूँगा, वो देख लिया आप, सिर्फ आप वही खाएंगे जैसे बताया वैसे ही आपका हो गया इलाज, जो आपको गर्मी की शिद्दत से नाइटफॉल हो रहा है जिसके अंदर ये देखा जाता है कि आपको पेशाब का पीलापन आ रहा है या आपका ये जो निकल रहा है उसके अंदर लोथड़े हैं या नहीं, लोथड़े टाइप का होता है, ठीक है, शुद्ध शुद्ध निकलेंगे उसके अंदर, तो इस टाइप का है, तो ये चीज़ देखिए आप, तो ये हो गया इसका इलाज। कुल मिलाकर ये वाला जो मैं लेकर आया हूँ ये है उसके लिए जिसके अंदर अगर देखा जाए कि आदमी अपने सोहबत जो अपनी सोसाइटी जो बदल लेता है उस वक्त गलत सोसाइटी में बैठ जाता है, और आजकल जो माहौल चल रहा है भाई सीधी से बात है सब कुछ आम हो गया है। कुल मिलाकर गंदी सोसाइटी, गंदे दोस्त और गंदे ख्यालात से जो हम अपने आप को इस चीज़ से बिगाड़ रहे हैं अपना, यानी हमें जो एहतलाम हो रहा है, नाइटफॉल हो रहा है अपने हाथ के इस्तेमाल से, समझ रहे हैं बात को आप, इस चीज़ से भाई बच जाइए। हाथ का इस्तेमाल वगैरह जो भी आप ये कर रहे हैं इससे आपकी हाइपर सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, जो नसें हैं आपकी वो बहुत सेंसिटिव हो जाएंगी और ज़्यादा हो जाएंगी, उससे ये होगा। अगर आप टच भी करें, आप हाथ तो छोड़ दीजिए, अगर आप रात को सो भी रहे हैं और ज़रा सा भी आपको इरेक्शन वगैरह आता है लाइटिंग के अंदर और उसमें अगर जो भी आप पहने पजामा नीकर वगैरह या तहमत कुछ भी पहने आपको उसके बाद अगर वो भी टच हो जाता है तो आपको नाइटफॉल होना लाजमी है, क्योंकि उस वक्त आपकी हाइपर सेंसिटिविटी बढ़ चुकी है और आपने उसको बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दिया, ठीक है। तो उसी चीज़ के लिए मैं ये नुस्खा लेकर आया हूँ। कुल मिलाकर ये सारा नुस्खे की चीज़ें मेरे पास है। अब आदमी इस पर एक चीज़ ये कहता है, ज़्यादातर सुनने में ये आया है कि एंजाइटी और डिप्रेशन में पड़ जाता है, इस वजह से आदमी को नाइटफॉल हो जाता है। भाई साहब, नाइटफॉल जब आदमी को होता है ना तो उसमें लव हारमोन्स निकलते हैं हमारे, जब लव हारमोन्स निकलते हैं तो अपने आप से मोहब्बत ही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि फिर आदमी को अजीब बुरा बुरा लगने लगता है, अपने आप से नफरत करने लगता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो इसलिए जब लव हारमोन्स निकलते हैं तो उसी के बाद से जो है आपको एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार होते हैं। तो कुल मिलाकर आपको एंजाइटी और डिप्रेशन का इलाज नहीं करना मेरे भाई, आपको इलाज करना है नाइटफॉल का, ये नुस्खा मैं बता रहा हूँ, इसके अलावा कुछ इस्तेमाल नहीं करना है, तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है भाई, इसके अलावा कुछ भी नहीं, सिर्फ 7 दिन के अंदर रिजल्ट मिलेगा आपको। तो आपको इलाज के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं बता देता हूँ। पहले नंबर पर कुलंजन, कुलंजन मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आ गया आपका कुलंजन, ये मेरे पास पाउडर फॉर्म में है और ये मैंने ऊपर दिखा दिया, कुलंजन एक लकड़ी होती है, पान के जड़ को कुलंजन बोलते हैं, ठीक है, तो ये आप ले लेंगे 40 ग्राम, और फिर लेंगे आप राल सफ़ेद, राल सफ़ेद आपको लेना है 30 ग्राम, ये राल सफ़ेद ले लिए, क्रीमी होती है लेकिन राल सफ़ेद कहलाती है, ठीक है, ये आप राल सफ़ेद ले लेंगे, ये आपको राल सफ़ेद लेना है 30 ग्राम, 30 ग्राम आपने राल सफ़ेद ले ली, और माजू आपको लेना है 30 ग्राम, ये माजू है, माजू भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये माजू आ गया आपका, ये माजू की एक पहचान ये समझ लीजिए, अगर इसमें होता मैं दिखाता हूँ आपको, ये माजू के अंदर सुराख होगा एक, ये सुराख वाला माजू बिल्कुल नहीं लेना है, इसके अंदर कोई जान नहीं होता, खोखला होता है, बिल्कुल बेकार होता है ये, और आपको लेना है बिल्कुल साबुत और अच्छा माजू, ये देख लीजिए बिल्कुल अच्छा और साबुत माजू है, ये वाला माजू लेना है आपको, यही इस्तेमाल करेंगे, माजू लेना है आपको 30 ग्राम, और इसका मज़ा भी थोड़ा कड़वा होता है, थोड़ा नहीं होता, बहुत ज़्यादा कड़वा होता है। फिर लेना है आपको गोंद कतीरा, गोंद कतीरा आपको लेना है 40 ग्राम, ये गोंद कतीरा लेना है, और ये 40 ग्राम लेंगे आप, और उसके बाद आप लेंगे निशास्ता, निशास्ता आप देख लीजिए, यह है निशास्ता,
निशास्ता भी समझ लीजिए, निशास्ता होता है जैसे मक्का हो गया या गेहूं हो गया, ये जो भी चीज़ है अनाज जो हमारा है उसके अंदर का जो मांड या स्टार्च बोलते हैं ना, स्टार्च का बना होता है, ये स्टार्च है कुल मिलाकर, ठीक है, जिस्म को ताकत देता है, बहुत ज़्यादा ताकतवर चीज़ें निशास्ता इसमें अंदर पड़ना ज़रूरी है। तो निशास्ता आप लेंगे 30 ग्राम ही निशास्ता लेंगे, ठीक है। और लास्ट में जो आपको मैं बताऊंगा वो है कुश्ता कलाई। कुश्ता कलाई मेरे पास रखा हुआ है लेकिन इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपना इस्तेमाल करता हूँ। आपको जो सा भी अच्छा लगे, जो मार्केट में अच्छा हो कुश्ता कलाई वही लेना है। कुश्ता कलाई आप इसके अंदर डालेंगे 10 ग्राम। इन सब चीज़ों को पीस लीजिए और पीसने के बाद अगर आप इसके अंदर मिश्री मिलाना चाहें, अगर मीठे के शौकीन हो तो मिश्री मिला लीजिए। मिश्री मिलाने से एक चीज़ ये होती है कि ये फार्मूला जो है ना, तो मिश्री अगर इसके अंदर मिल जाएगी तो वो आपके एग्जैक्ट जहाँ पर आप इसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं वहाँ लगेगा जाकर, क्योंकि वो मिश्री जो है ना हर बॉडी का पार्ट जो है वो एब्जॉर्ब करता है। तो इसलिए मिश्री आप इसके अंदर इस्तेमाल कर लेंगे तो वो जितनी भी चीज़ें उन सब चीज़ों को वहाँ पहुँचा देगा, ठीक है। तो मिश्री आप इसके अंदर इस्तेमाल करना चाहे कर सकते हैं, नहीं करना चाहे नहीं कर सकते हैं। तो यह है फॉर्मूला। साथ में आपने इन सब चीज़ों को पीस के अपने पास रख ली, ये पाउडर फॉर्म आपके ऊपर तैयार हो गई है और मिश्री आपके ऑप्शनल है। और इसके अंदर एक चीज़ और मैं बता दूँ, फार्मूले के अंदर ये अपना कुश्ता ज़रूर डालता हूँ इसके अंदर, ये मेरा बनाया हुआ है। इसको कम से कम 10 घंटे की आग दी जाती है और कम से कम 8-7 किलो उपलाई की आग दी जाएगी और उसी के अंदर 10 घंटे पूरा गुजार देता हूँ मैं, और कम से कम 3 दिन की खरल होती है। इसके अंदर बताने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे कि ये कैसे बनेगा। कुल मिलाकर ये कुश्ता मैं डालता हूँ, ये कुश्ता अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। इसी के अंदर 5 ग्राम कुश्ता डालेगा, जितना पाउडर फॉर्म है मेरे पास, तो एक बंदे के नहीं 5 ग्राम ही कुश्ता काफ़ी होता है। इसका काम यह है जो आपकी नसें जो है, जो होल्डिंग पावर ख़त्म हो गई और जो मसाला बिल्कुल कमज़ोर हो गया है तो ये रोकने की क्षमता ख़त्म हो जाती है इसकी, तो उसको टाइट करने के लिए, स्ट्रेंथ देने के लिए, उस नस को टाइट करने के लिए और जो मसाले को टाइट करने के लिए इस कुश्ते को मैं मिलाता हूँ, जो पहले ही दिन से रिजल्ट देना शुरू कर देता है, आदमी का नाइट फॉल ही बिल्कुल ही बंद होना शुरू हो जाता है। तो ये मैं इसके अंदर डालता हूँ 5 ग्राम। तो कुल मिलाकर आपके पास ये सारा पाउडर फॉर्म तैयार हो जाता है। आप 40 दिन इसको लगकर इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको इस्तेमाल करना रात में आधा चम्मच इस्तेमाल करिए पानी के साथ। और दूसरे नंबर पे ये हो गया आपको स्ट्रेंथ देने के लिए, मसाले को ताकत देने के लिए, नस को टाइट करने के लिए, होल्डिंग पावर को बढ़ाने के लिए, तो ये हो गया आपको रात को दवाई इस्तेमाल करने के लिए। और इसमें देखा जाएगा कि अगर आपकी मनी पतली है तो मनी पतली के नहीं है, जो मेरा माजून है जो मैंने बताया है, माजून 15 जड़ी बूटी वाला माजून इस्तेमाल करेंगे सुबह खाली पेट 1 गिलास दूध के साथ इस्तेमाल करेंगे, ताकि मनी जो है सुबह में जब आप दूध के साथ इस्तेमाल करेंगे उस माजून को, आपकी मनी गाढ़ी होगी। तो ये हो गया आपका माजून इस्तेमाल करने का। इसको लगभग आप इस्तेमाल करेंगे 40 दिन लगकर इस्तेमाल करिए। और अगर आप ये कुश्ता अगर आपने इसके अंदर डाल दिया तो मेरे हिसाब से 40 दिन के बाद आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे, कोई ज़रूरत नहीं है आपको आगे मतलब कोई इलाज बढ़ाने की। दूसरे नंबर में आपको परहेज का बता दूं, परहेज के अंदर आपको चलेगा रोकना क्या क्या चीज़ है। देखिए भाई, जो जिम वाले लोग हैं वो प्रोटीन वगैरह इस्तेमाल करते हैं, जिसमें जो हो गया आपका पीनट बटर वगैरह, भाई साहब मनी को पतला करता है और नाइटफॉल होता जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा ना, ताकत वगैरह कोई नहीं बन पाएगी सही से। तो इसलिए उस चीज़ को छोड़ दीजिए और अगर हो रहा है तो इसी को इस्तेमाल करिए। दूसरे नंबर पे ये अंडा, मांस, मुर्गा, मच्छी, आलू, टमाटर और बैगन और बादी चीज़ें बंद कर दीजिए, ठीक है। ये चीज़ आप परहेज कर लीजिए 40 दिन लगकर, और आपका जो है ये सारा मसाला वगैरह जो है ये टाइट हो जाएगा। और चाय और कॉफ़ी बिल्कुल नहीं चलेगी इसके अंदर, क्योंकि हमें तेजाब पैदा करने वाली भी चीज़ नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा परहेज हो गया। तो कुल मिलाकर आप इसको ये इस्तेमाल करिए, 1 हफ्ते में रिजल्ट देखेंगे आप। कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं मिलती तो हमसे मंगाएं, लेकिन पड़ेगी ओरिजिनल, लोकल कोई चीज़ नहीं पड़ेगी। बाकी अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।